इंटरव्यू नंबर 7 वार्म अप के सवालों में इंटरव्यूई जो है वो दिखाती है कि किस तरह वो गठे हुए छोटे छोटे पैराग्राफ्स में जवाब दे रही है और उससे परीक्षक सवाल पूछता है कि क्या समानताएं दिखती हैं लंदन न्यूयॉर्क के बीच में और इस सवाल का जवाब भी वो अच्छी तरह से छोटे पैराग्राफ में जाती देती है तो तब जो परीक्षक है वो प्रोब करता है एडवांस लेवल का कि क्या आपको राजनीति में दिलचस्पी है और इसके जवाब में भी गठी हुई भाषा में गठे हुए पैराग्राफ्स में जवाब मिलता है लेकिन हमारी जो परीक्षार्थी है वो बहुत तेज़ भाषा में एकदम बहुत रवानगी वाली भाषा में बात नहीं करती वो धीरे धीरे एक तरह से संभलते हुए भाषा पर पूरा अपने आप को मॉनिटर करते हुए जांचते हुए कि वो सही वाक्य बोल रही है वो अपने जवाब देती है लेकिन हम उसकी भाषा में देखते हैं कि ग्रामर का ग्रामर पर उसका अधिकार है और जो कई इस तरह की के व्याकरणिक चीज़ें उसमें दिखती हैं उसके वाक्यों में जो कि एडवांस लेवल पर ही हो सकती हैं आमतौर पर जैसे कि वो कहती है जो भी जानती हूँ सो जो का इस्तेमाल इसी तरह चाहने का इन्फिनिटिव के साथ इस्तेमाल सीखना चाहती हूँ या व्यापार नहीं कर पा रही हूँ कर पाना इसी तरह सब्जंक्टिव के दोनों की भलाई है कि वो साथ रहें तो इस तरह के इस्तेमाल से उसका हमें व्याकरण पर अधिकार का पता चलता है और आपको मालूम है कि व्याकरण पर जो अधिकार पूरा दिखाना है वो एडवांस लेवल का गुण है इसी तरह कुछ जो शब्दों का भी वो इस्तेमाल करती है वो जैसे अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर लेती है तो वो उसकी एक कमज़ोरी कह सकते हैं लेकिन पैराग्राफ्स में वो बोल रही है तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो परीक्षक है वो एक अनपहचाना विषय उठाती है जो कि औपचारिक एक तरह से स्तर पर है और पर्यावरण के बारे में सवाल पूछती है अब इसका जो जवाब है चूंकि ये एकदम ही अमूर्त स्तर का सवाल है और इसके बारे में काफ़ी भाषा होने की ज़रूरत है तो जिसे पूरी तरह से परीक्षार्थी जवाब नहीं दे पाती है और जो बोलती है वो बड़े छोटे छोटे पैराग्राफ में परीक्षक फिर उस एक और उससे सवाल पूछती है जो एक तरह से सुगठित वर्णन का सवाल है और वो है फिल्मों के बारे में और यहाँ हम देखते हैं कि वो अच्छी तरह से कहानी तो सुना ही सकती है स्थितियों का वर्णन कर सकती है और जो कि एडवांस लेवल का गुण है वो कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल करती है
लेकिन पैराग्राफ में बात करती है और जटिल वाक्य रचना का भी इस्तेमाल करती है, तो इस तरह से वो ये साबित करती है कि वो एडवांस स्तर के सवालों के अच्छी तरह जवाब दे सकती है। और हम देखते हैं कि वो इस तरह से कहेगी, हर हफ्ते नए लोग आते हैं तो कभी कभी ऐसा हो, ऐसा कोई आता है जो एक हफ्ता आता है फिर दोस्त बन जाता है, हर हफ्ते आने लगता है। तो मतलब जो वो का कनेक्टर्स का और ये रिलेटिव को रिलेटिव का वो अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर पाती है, लेकिन एक सावधानी के साथ वो बात करती है। इसीलिए उसकी जो बोलचाल में हमें रवानगी नहीं दिखती, संभल संभल के बोलने वाली स्थिति दिखती है। जो परीक्षक है फिर ऑरेंज या नारंगी रंग का कार्ड निकालती है ये दिखाने के लिए कि वो सभी एडवांस लेवल के जो फंक्शंस हैं कर सकती है। और परीक्षार्थी ये साबित भी करती है कि एडवांस लेवल के जो फंक्शंस हैं, यानी कि नरेशन, डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो अच्छी तरह से कर पाती है। और फिर इंटरव्यू उसको को प्रोब किया जाता है एक फिर से अनपहचाने विषय को लेकर के, और वो है दो देशों की जो शिक्षण पद्धति है उसकी तुलना करने के लिए, दोनों जगह की शिक्षा पद्धति में आपको किस तरह के अंतर दिखाई दिए, ये सवाल और पास्ट फॉर्म में किया जाता है। और ये भी कि कौन सी पद्धति विद्यार्थी के विकास के लिए बेहतर है, ये और भी जटिल सवाल है। लेकिन जो परीक्षार्थी है वो थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन जवाब देती है। देखिए वो कहती है कि सामाजिक संदर्भ में एक व्यक्ति का काफ़ी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना, या कि एक ही इसमें जब वो जवाब देती है तो वो इस सवाल का तो बोल पाती है, काफ़ी अच्छी तरह से बोलती है और पैराग्राफ में बोलती है। और लेकिन उसका जो व्याकरणिक रूप है उस पर हम देखते हैं कि उसका जो अधिकार है वो पूरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशनल है जो ग्रामर का व्याकरण का रूप है, कंडीशनल फॉर्म है। और उसका हम देखते हैं कि वो पूरा कंट्रोल नहीं कर पाती। कहती है कि मैं अगर इंग्लैंड में गई होती तो मैं कहती कि मुझे इतिहास पढ़ना है और 3 साल के लिए सिर्फ इतिहास पढ़ रही हूँ। तो उसकी जो यहाँ पे व्याकरणिक रूप है वो उसके वाक्यों में गड़बड़ा जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो कर भी रही है एडवांस लेवल पे लगातार बातचीत, लेकिन छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना रही है। तो वाइंड डाउन में इसलिए परीक्षक उससे एक बहुत आम जाने पहचाने टॉपिक पर सवाल पूछती है कि अपने क्लास के अनुभव के बारे में बताए और उसकी उस दिन की क्या योजना है, जो कि वो बड़े अधिकार के साथ आत्मविश्वास के साथ कह पाती है। तो इस तरह जितने भी एडवांस स्तर के
फंक्शंस हैं यानी कि नरेशन और डिस्क्रिप्शन, उनको परीक्षार्थी बहुत अच्छी तरह से कर पाती है। और उसको ख़ास तौर से जो आसानी से वो बात करती है वो फैमिलियर और पर्सनल विषयों के बारे में पहचाने हुए और व्यक्तिगत विषयों के रूप में। और जो औपचारिक हैं विषय उनके बारे में, जैसे कि वातावरण वगैरह के बारे में पूछा, तो वो मुश्किल में आ गई, उतना कह नहीं पाई। लेकिन जब भी अनौपचारिक विषयों पर उससे बातचीत की गई तो वो उन अनौपचारिक विषयों पर अच्छी तरह से बात कर सकी। और इसी तरह जब रोल प्ले दिया गया, जो कि एडवांस लेवल का रोल प्ले है, तो उसको भी वो उसका में जो जटिल हिस्से थे उनको वो बड़ी अच्छी तरह से उनका संप्रेषण कर पाई। और इसी तरह उसमें एक और गुण दिखता है उसकी भाषा में, वो ये है कि अपने वाक्यों को सुधारते हुए उनका फिर से निर्माण करना, जब लगे कि एक कुछ गलत कह दिया है तो ठीक से फिर से कह देना। और इसी तरह जब घुमा फिरा कर, मतलब बात का सही जवाब ना आता हो, तो किस तरह भाषा को घुमा फिरा कर अपनी बात कह देनी है, ये गुण भी उसकी भाषा में दिखता है। लेकिन उसकी भाषा की अपनी सीमाएं हैं, ये भी हमने देख लिया, जैसे कि चुनावों के बारे में और वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में। और इसी तरह उसकी जो शब्दावली है उसमें भी वो कई अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करती है जब हिंदी का नहीं आता होता तो इस तरह से वो एडवांस स्तर की जो मांगे हैं उनको पूरा करते हुए भी कई बार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाती। तो इसीलिए हम कहेंगे कि चूंकि वो तीनों कालों में बड़े आराम से बातचीत कर सकती है और पैराग्राफ्स बनाती है लगातार, लेकिन उसके पैराग्राफ्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं। और एक तरह से उसमें हमें अगले स्तर के इतने गुण नहीं दिखते। अगर हम उसे एडवांस मिड कहते हैं तो उसमें हमें देखना होगा कि एक रिपोर्टर की तरह वो हमें काफ़ी सारी भाषा दे सके। तो यहाँ हमें लगता है कि उसकी जो भाषा है, यानी कि एडवांस मिड में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें उसकी भाषा में गुण यानी कि क्वालिटी तो मिलता है, लेकिन हमें क्वांटिटी जो है वो उतनी नहीं मिलती है जो कि एडवांस मिड में होती है। इसलिए हमें उसे एडवांस लो ही कहना होगा इस स्तर पर, कि वो सारा जो क्राइटेरिया है एडवांस का वो कर पाती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है और क्वालिटी ठीक ठाक है। तो एडवांस लेवल की वो है, मिड को अक्सर छूती है लेकिन मिड तक पहुंचती नहीं है, और एडवांस लो लेवल पर रहती है।